जय हिंद। एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ को लेकर, मेरिट को लेकर बहुत सारे डाउट है दोस्तों। सभी के मन में शंकाएं चल रही है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आखिर कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, और मैं मेडिकल के लिए फिट हूँ या ना फिट हूँ, और मेरा फिजिकल जो है एग्ज़ाम पास हो चुका है, तो मैं इसकी आगे की क्या प्रिपरेशन करूँ, और मेरा फाइनल सिलेक्शन होता भी है तो कौन सी फोर्स मिलेगी। बहुत सारे मन में डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, और क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि आपने इतनी सारी जो मेहनत तैयारी करी है और इसका परिणाम जो आपका जो है आपके फेवर में ना हो तो दोस्तों बहुत बड़ी बदनसीबी की बात लोगे, आपका बैड लक कहें, या फिर आपकी तैयारी में कमी थी, या फिर वैकेंसी कम थी। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे दोस्तों इस रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पिछले साल की जो वैकेंसी निकली थी लगभग 53,857 वैकेंसी निकली थी, अब की बार जो वैकेंसी निकली आपकी लगभग 25,271। पिछली बार फॉर्म भरे गए थे आपके 52,20,000, इस बार फॉर्म भरे गए लगभग आपके 65,00,000 फॉर्म। बात करें दोस्तों जो एग्जाम में अपियर हुए थे बच्चे, वो लगभग पिछली बार 31,00,000 के आसपास जो एग्जाम में अपियर हुए थे, यानी कि उन्होंने एग्जाम दिया था रिटर्न एग्जाम। अब की बार केवल 29,00,000 के आसपास जो है बच्चे अपियर हुए, पिछले साल 21,00,000 बगैर लगभग जो एबसेंट हो गए थे। मेडिकल तक पहुंचते पहुंचते पिछली बार दोस्तों 1,52,000 पहुंचे थे, इस बार जो लगभग आपके 2,85,000 दोस्तों फिजिकल के लिए पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पिछली बार का जो रेशियो था ना आपका फिजिकल में पास होने का लगभग 36% था, लेकिन इस बार की बात करें दोस्तों, इस बार जो आपके फिजिकल स्टार्ट हुए थे तब आपका जो है रिजल्ट जो है बहुत बेकार था, क्योंकि धूप के चलते बहुत परिणाम खराब रहा, लेकिन उसको परिणाम को बाद में सुधारा गया। टाइमिंग चेंज करी है SCGD ने, एक नोटिफिकेशन जारी किया CRPO ने, नोडल एजेंसी ने, कि आपका जो टाइमिंग है वो 5:30 की जगह आप 4:30-4 बजे पहुँचेंगे, तो आपका 5:30-5 बजे से फिजिकल स्टार्ट भी होने लगे, तो उसमें रिजल्ट जो अच्छा रहा। तो दोस्तों इस बार का लगभग आप अप्रोक्सीमेट डाटा निकाल, बात करने वाले दोस्तों चक्षु बुक पब्लिकेशन की। अगर दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की एग्जाम की तैयारी करें तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट और सबसे अच्छी बुक जो है चक्षु पब्लिकेशन की दोस्तों। अगर आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, साथ ही इसमें आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको स्टडी गाइड भी अवेलेबल है दोस्तों। अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत करने के लिए इसको आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो के, वहाँ पर जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर देख रहे हैं तो लगभग आपका 40% से 45% बी के बीच बीच का जो डाटा आया सामने निकल के, इतने बच्चे अब की बार पास हुए, तो पिछले साल के मुकाबले लगभग लगा 8 से 9% बच्चे अब की बार ज़्यादा पास हुए हैं। वही बात करें दोस्तों, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग है। पिछली बार NCC सर्टिफिकेट के मार्क्स ऐड नहीं हुए थे, इस बार आपके NCC सर्टिफिकेट के मार्क्स ऐड हुए हैं। लेकिन दोस्तों पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो सीनियर नोटिफिकेशन में आप साफ साफ कहा गया था कि आपके 12 गुना बच्चे फिजिकल के लिए लिए जाएंगे, इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपके जो कट ऑफ लगी थी दोस्तों फिजिकल के लिए उसमें 12 गुना बच्चे, उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि आपके नोटिफिकेशन में कि आपके जो फिजिकल के लिए बच्चे जो बुलाए जाएंगे उसमें लगभग 12 गुना, यानी कि 12 टाइम्स बच्चों को आपकी वैकेंसी से 12 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। लेकिन 25,271 की अगर 12 टाइम्स करें तो लगभग 3,03,000 बैठेंगे, लेकिन दोस्तों अब की बार जो है 3,03,000 नहीं बैठे, वो 2,85,000 ही रह गए। तो दोस्तों जो कट ऑफ थी, यानी कि 33% का जो क्राइटेरिया होता है कि 33 आपको लाने हैं, इस बार वो भी फुलफिल नहीं कर पाए बच्चे, बिकॉज ऑफ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चलते। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा फैक्टर रहा दोस्तों, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो बच्चों ने जो है ABCD ऑप्शन करके कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था कि किसी को भी टिक लगाना, चलिए लगा देते हैं टिक, और कोई ना कोई तो एक 4 में से 1 तो सही हो ही जाएगा। लेकिन इस बार अब दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के चलते जिसने तुक्के लगाए हैं वो सब पीछे पीछे चले गए, और जो है फाइनल के क्राइटेरिया था कि 33% पास होने के लिए वो भी फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी SC ने जो है उनको जो है 33 से भी नीचे ला गया, कुछ EWS SC ST को नीचे से भी उठाया गया है। तो दोस्तों मेरिट की बात करें तो पिछली बार जो कई स्टेट्स में 10 नंबर तक मेरिट बढ़ी थी, लेकिन इस बात की बात करें दोस्तों इस बार जो है आपके 10 नंबर नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि आपके जो कैंडिडेट पास हुए हैं उसमें देखिए जो 2,85,000 मैं मानता हूं कि आपके बहुत ज्यादा, यानी कि 10 गुना सीधे सीधे 10 से 12 10 गुना से ज्यादा 11 गुना बैठेंगे लगभग आपके जो पास करें हैं कैंडिडेट, उसमें अगर फाइनल में जो आपके फिजिकल में पास होंगे लगभग 40% निकालेंगे, तो दोस्तों अब की बार जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा फैक्टर, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो बच्चों ने हर किसी ने तुक्का लगाया, और लगभग लगभग किसी ने 5 भी तुक्के लगाए तो एक तो उसका ठीक हुआ था, लेकिन इस बार किसी ने 4 गलत किए तो उसका 1 भी सही हुआ, जो सही था वो भी कैंसिल हो गया।
तो दोस्तों कट ऑफ के लोग आप देखिए, सबसे मैं मेन इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि कट ऑफ के बारे में एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं बता सकता, ना यूट्यूब पे कोई बता सकता, ना खुद एसएससी बता सकता। ये आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आपका कट ऑफ जो है कितने पर रुकेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको कौन सी फोर्स अलॉट होगी और आपका कौन सा ड्रीम था और आप किस में जाने वाले हैं। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।